नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। इंस्पायर टू हिंदी से आज पोको X2 लॉन्च हुआ भारत में 15,999 रुपए की प्राइसिंग पे, 6GB 64GB वाला मॉडल। और असली बात बोले तो है तो ये रेडमी K30 ही, पर इस पे पोको का नाम लगा के वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और ये 16999 पे उपलब्ध होगा 6GB 128GB वाले मॉडल के लिए। और एक और मॉडल होगा 256GB वाला, 8GB 256GB वाला, वो 20,000 रुपए पे उपलब्ध होगा। पोको X2 जो है इसमें कुछ चेंजेस नहीं है उसके मुकाबले, बट स्टिल जो मेजर चीज़ें हैं वो है 4500mAh बैटरीज के अंदर है, 27W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, कर्नल सोर्स RCA अवेलेबल है, वियो वाईफाई का सपोर्ट है, स्प्लैश प्रूफ है, आयर ब्लास्टर है। और अगर स्पीड टेस्ट वगैरह की बात की जाए तो रियलमी X2 से ये ज़्यादा फास्ट है ऐसा कहा गया पोको द्वारा, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि होगा ही भाई, क्योंकि ओवरऑल MIUI बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। कैमरा की बात करें तो पीछे आपको 64MP का सोनी का सबसे नया वाला IMX686 सेंसर मिलता है, और बाकी इसके अलावा मैक्रो वगैरह के लिए भी इन्होंने सेंसर वगैरह दे रखे हैं, और भी दो तीन सेंसर दे रखे हैं, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है इसमें। ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा कैमरा। UI में काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एक इन्होंने अलग से व्लॉगिंग करने वालों के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। सामने आपको 20MP का एक कैमरा मिलता है डेप्थ सेंसर के साथ 2MP के। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि इमेजेस की क्वालिटी सही थी, मतलब शार्पनेस वगैरह के टर्म्स में, कहीं कहीं पे कलर रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा मुझे ऊंच नीच सी दिखाई दी, और पोर्ट्रेट मोड जो होता है उसमें एज डिटेक्शन में थोड़ी कमी लगी, बट 64MP का जो मोड था वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, उसमें शार्पनेस अच्छी लगी। सेल्फीज़ जो मैं ले रहा था वो भी काफ़ी हद तक सही थी, बट जहाँ पे हाईलाइट्स वगैरह ज़्यादा थे या लाइट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे हाईलाइट्स ऐसे लगे उड़ गए थे। और ओवरऑल सैचुरेशन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा ज़्यादा है, जैसे कि 4K वीडियो सैम्पल ये जो है पोको X2 से लिया गया, इसमें आप देख सकते हैं ऐसा लगेगा कि मतलब कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिए अननेचुरल तरीके से, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फ्रंट कैमरा से जो वीडियो ली हुई थी वो स्टेबलाइज नहीं लगी, 1080p 30fps की वो वीडियो थी और उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं दिखाई दी मुझे, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कमी है इसकी। बाकी ये कैम 2API लेवल 3 तक का सपोर्ट करता है, तो इस पर GCam बड़े ही प्यार से चल जाना चाहिए और तब शायद ज़िंदगी में थोड़ा और मज़ा आएगा। अगर गेमिंग की बात की जाए तो इस पे आप गेम्स काफी अच्छे से खेल सकते हैं, ये स्नैपड्रैगन 730G के साथ आता है, और पबजी जैसी गेम को आप स्मूथ और अल्ट्रा या फिर HD और हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। मैंने स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलने की कोशिश करी, एक्सट्रीम फ्रेम रेट ऑप्शन तो यहाँ पे फिर भी देखने को नहीं मिल रहा था, बट ऐसा हो सकता है कि आप GFX टूल को यूज करके वो ऑप्शन आराम से अनलॉक कर सकें। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत हद तक सही थी, और 730G एक बहुत ही कैपेबल चिपसेट है, आप वेरी हाई और वेरी हाई सेटिंग्स पे ग्राफिक क्वालिटी और FPS पे आराम से कॉल ऑफ ड्यूटी को भी इस पे खेल सकते हैं, बड़े ही प्यार से चलेगा, बड़े ही आराम से आप बढ़िया एकदम मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे, और बिना लैग के 120Hz का मजा अलग होता है। सिर्फ कुछ गेम्स ऐसी होती है जो कि इसको भी सपोर्ट करती हैं, ये सारी गेम्स शायद से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती होंगी, क्योंकि मैं 2-3 और कोई गेम खेला था उनमें ऐसा लग रहा था कि भाई मस्त एकदम चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द गेम्स में अभी 120Hz का सपोर्ट नहीं आया। वहीं GTA San Andreas जैसी गेम को भी आराम से आप मैक्स स्पीड पे खेल सकते हैं और उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आपको दिखाई देगा, बड़े ही प्यार से इस पर चल रहा था। लेकिन ये लोगों ने क्लेम किया था कि बिल्कुल भी फ़ोन गर्म नहीं होगा, तो क्या उस पर वो खरा उतरा कि नहीं, तो जो थर्मल टेस्ट मैंने किया उसमें मैंने पाया कि बहुत देर तक गेम खेलने के बाद भी ये फ़ोन नहीं गर्म हो रहा था, ऑलमोस्ट 33-34 डिग्री तक गया, बहुत सही है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। बेंचमार्क्स की बात करें तो इंटरनल जो स्टोरेज है उन्होंने बोला UFS स्टोरेज है, बट मेरे को सिर्फ 500MB/s तक की रीड राइट स्पीड मिली, जो कि ठीक ठाक है, उतनी बेकार भी नहीं है। और बेंचमार्क स्कोर्स भी सही थे, Antutu बेंचमार्क पे 280,000 के करीब का स्कोर आया, जो कि एक बहुत ही अच्छा उम्दा स्कोर है, और इस प्राइस रेंज में तो इन्होंने एकदम बैंड बजा दिया ऐसा लग रहा है मुझे। ये जिस डिस्प्ले के साथ आता है उसमें ऊपर की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप है, और वो ऐसा एक मतलब पिल स्टाइल का नॉच बना रखा है, इसके बीच में ज़बरदस्ती इन्होंने ब्लैक कर रखा है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये 20:9 डिस्प्ले है जो कि HDR10 सपोर्टिंग डिस्प्ले है, LCD पैनल है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले लगी एक LCD के हिसाब से। बट यार AMOLED की बात थोड़ी अलग होती है। प्रोज की बात करें तो पोको लॉन्चर इसमें आता है जो कि MIUI लॉन्चर से मुझे अच्छा लगता है, 120Hz डिस्प्ले है, 3.5mm जैक है, 64MP कैम भी है, बढ़िया प्राइसिंग भी है इसकी। और कॉन्स की बात करें तो LCD डिस्प्ले है और फिंगरप्रिंट सेंसर यूनिक सा है राइट हैंड साइड पे पावर बटन पे, बट सबको शायद पसंद भी ना आए, और पहले से कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स डले हुए हैं जिनको हटाना पड़ता है, और मुझे तो ऐसा लगा एड्स भी दिखाई दिए मुझे कहीं कहीं पे। हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट के साथ ही आता है, तो हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें पसंद ना आए उतना ज़्यादा। इसके अलावा जो स्क्रीन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन ब्लीडिंग भी हल्की सी दिखाई देती है नॉच के एरिया के पास, तो वो तो ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। 256GB में से आपको करीब करीब 226GB फ्री मिलता है,
और जिस प्राइस पॉइंट पे फोन उपलब्ध होता है अभी के लिए इसने रियलमी X2 की तो एकदम ही बैंड बजा दी है। यहाँ तक कि Xiaomi का Redmi Note 8 Pro भी अब लेने लायक नहीं रहा है इस फोन के सामने। ये फोन बहुत ही बढ़िया है उस मामले में, और ओवरऑल छोटे मोटे इसमें कॉम्प्रोमाइजेस जरूर है, बट स्टिल ये काफी बढ़िया फोन है। और Redmi K30 को अलग से पोको की चाशनी में उतार के जो दे दिया गया है तो वो काफी मजेदार है। और बाकी अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपए और ऑफ मिल जाएंगे इसके प्राइसिंग पे, और फिर 15000 रुपए के प्राइस पे जो ये फोन मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त डील होगी। और यार फिर तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि पोको X2 वर्थ इट है दोस्तों लेने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, तुम्हारा ही तो चैनल है यारों। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।